तो श्रीनाथ जी को 56 भोग धराएंगे। अरे हेतली, क्या हुआ बेटा? तू तो अंदर फ्रिज का ठंडा पानी पीने गई थी, गर्म होके क्यों आई? क्या हुआ? क्या वजह जाननी है ना आपको, तो जाकर अपनी बहू से पूछिए। सुन हेतली, चलो ये मोना रानी ने अब नए गुल खिलाए हैं। बेचारी बच्ची अच्छी हस्ती खेलती अपने ससुराल से आई थी, रोक कर चल दी। मोना भी ना, ये लाइट क्यों चली गई? गर्मी के दिन है ना, बिजली वालों ने बिजली कटौती करना शुरू कर दी है। ले, ये मोना रानी तो कहीं बिजली विभाग नहीं पहुंच गई? घर में तो कटौती कर रही है, वहां जाके भी शायद कटौती शुरू कर दी हो। है नाना, पड़ोस के घर में तो बिजली है, दिख रही है। हा? सिर्फ हमारे घर में नहीं है। ये बिजली रानी को हमसे ही नाराज होना था, खबर न हो तो कह दूं, गर्मी के मारे तो जान जा रही है। मैंने अनुकल्प को बिल भरने को कहा था, कहीं वो भूल तो नहीं गया? अरे बहू, कितनी बार का है, ये सारे काम मुझे दे दो। बेचारा अनुकल्प कितना काम करेगा, भूल गया होगा। बापूजी, सारी जिम्मेदारी गृहस्थी उनको सौंपती है, तो बिल भरना मोना और अनुकल्प को याद रखना चाहिए ना। ये मोमबत्ती बिजली चली गई क्या? अनुकल, तुमने बिजली का बिल तो जमा कर दिया था ना? वो ना, 3 महीने का बिल एक साथ आ गया था, 14,000 रुपए। मेरी जेब में सिर्फ 4,000 रुपए थे, इतनी जल्दी 10,000 रुपए का अरेंजमेंट कहाँ से होता? तो वैसे इतने कर्जों में डूबा हुआ, ऊपर से सैलरी भी कट हो चुकी है, तुम तो जानती हो ना। 4,000 ही जमा कर दिए थे, कम से कम बिजली तो नहीं कटती ना? वो ना, मैंने 4,000 रुपए जमा कर दिए थे ये सोच के कि कुछ दिन तक बिजली नहीं जाएगी, पर पता नहीं है पैसों का प्रॉब्लम खत्म कब होगा। ये पैसे की तंगी की वजह से न जाने क्या क्या झेलना पड़ेगा। और अनुकल, अम्बा जी, आप, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अम्बाजी, वो याद दिलाया था ना मैंने तुझे कि बिजली का बिल भर देना। अम्बाजी, मैंने भी फोन किया था अनुकल्प को सुबह याद दिलाने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, भर दिया ना? तो फिर बिजली क्यों कटी? पता नहीं अम्बाजी, मैं कल ही जाके बिजली विभाग में बात करके आता, देखता हूँ क्या हुआ। ये सचमुच अम्बाजी, मैंने बिल पूरा भर दिया था। तुमने अम्बाजी को झूठ क्यों बोल? सच बोल देना चाहिए था ना कि पेमेंट नहीं करा इसलिए लाइट चली गई। अनुकट, मैं कैसे सच बोलती? वैसे ही वो कटहल और न्यूज़पेपर को लेकर इतना पंगा हो गया था, अगर ये बिजली वाली बात बोलती तो अम्बाजी को शक हो जाता कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और उन्हें लगता कि हमें घर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और हम घर की जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा पा रहे, इसलिए कुछ नहीं बोल पाई। और कल क्या करेंगे? क्या कहेंगे अम्बाजी से कि पेमेंट करती फिर भी बिजली क्यों नहीं आई? अनुकल, जो झूठ हमने बोला है ना, अब उसे सच ही करना होगा, कुछ भी करके हमें बिल पे करना होगा। ठीक है, मैं कल ऑफिस जाके 10,000 रुपए एडवांस में लेने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं फिर। भाई गॉड, अनुकल, ऑफिस से एडवांस मिल जाएगा ना? नहीं, अगर नहीं मिले तो फिर मैं अपने गहने गिरवी रख देती हूँ, या तो भेज देती हूँ। नहीं मोना, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं मैनेज करूंगा। और अब तुम चिंता छोड़ दो, मैंने एक सेकंड ऑफिस में दूसरी पार्ट टाइम जॉब ले ली। अनुकल, पहले तुम्हारा ऑफिस, उस पे से एक और पार्ट टाइम जॉब, कैसे कर पाओगे तुम ये? आराम कब करोगे, घर कब आओगे? कोई बात नहीं मोना, कुछ दिन आराम कम कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काम ज्यादा करूंगा तो हमारे पैसे की चिंता दूर हो जाएगी।
फिर तो मैं इन छोटी छोटी बातों पे कटौती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें कोई कुछ नहीं सुनाएगा फिर, बिल्कुल नहीं। चल तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। वैसे भी कितनी गर्मी है, ना एग्जॉस्ट चल रहा है, ना एसी और ना ही फ्रिज। बाय गॉड, तुम जाओ, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। ओफो मोना, तुम सबकी कितनी चिंता करती हो, तुम भी तो यहाँ गर्मी में खड़ी हो ना। मैं ठीक हूँ, और वैसे भी पूरे दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसी बहाने काम में भी लग जाऊंगी। लेकिन फिर मैं एक मिनट में आई। हेलो मोना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पैसों का कहीं से कोई इंतजाम हो ही नहीं पा रहा। मैंने अकाउंट में एडवांस पैसे उठाने के लिए अर्जी दी है, पर वो लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे। लगता है शायद एक दो दिन और लगेगा। हाय रब्बानुकर, तुम्हें पता है ना, अगर आज हमने बिल नहीं जमा किया तो फिर बिजली नहीं आने वाली। भगवान, इतनी गर्मी है बा, हमारे राजकोट में जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाती इन्वर्टर तो रहता। लगता है जंबा जी से एक नया झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, आज कुछ झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। मैं कुछ देखती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है। लो ये महाराणी तो जब देखो तब फोन पे लगी रहती। अरे बेटा तू आराम से, आराम से। तू यहाँ रसोई में अकेले क्यों खट रही है? देखा बा, गर्मी होने लगी तो इसे यहाँ रखकर मोना रानी तो चल दी बाहर। नहीं भोई, मोना ने तो मुझे मना किया था काम करने से, वो तो मैं। चुप रह। अरे बेटा बड़ी बोली है तू, जानती नहीं उस मोना को, इतनी शातिर है वो। अरे मना करती ले, लेकिन रोका तो नहीं ना। फिर यहाँ पसीने पसीने में छोड़कर वो महारानी वहाँ फोन लेकर घूम रही। नहीं भुई, वो मैं बा, वो मम्मी जी के घर उन्होंने बुलाया, मैं जाऊं, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बाय गॉड, पूछ रही हो या बता रही हो मोना? हाँ जी, वो मैं अब मना करने वाले हम कौन होते हैं? अब तो इस घर की तुम मालकिन हो, जो मर्जी आए करो, है कि नहीं? चलो, मोना रानी तो गई अपने मायके एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने, और हम गर्मी में मर रहे हैं। हेतल पुत्र जी, वो चुन्नी के रंग का धागा मिला? हाँ जी। ये ली। चाची जी, ये दुकान पे कुछ नए पीसेस आए थे तो चाचा जी ने भिजवाए। उन्होंने कहा है कि आपको जो पसंद है आप रख लें और बाकी वापस भिजवा दें। ये रंग बहुत अच्छे हैं ना, और इनका डिजाइन भी बहुत अच्छा है, मुझे ये वाले चाहिए। हेतल, हमारे घर में कपड़े, गहने, गिफ्ट्स, इस सारे चुनने का पहला हक चाची जी का है। वही सबके लिए चुनती हैं और खुद ही अपने हाथों से देती हैं। तुम्हें भी वही चुन के देंगी। मैं रूम में जाती हूँ। और नहीं तो क्या मर्जानी, और देखना तेरे लिए ऐसे सुंदर सुंदर सूट चुनूंगी ना, कितने सुंदर लगेंगे मेरी बहू पे। क्यों पर जाएगी? हाँ हाँ जानती हूँ, खुद से ज्यादा तुझे दूसरों को सजाने का शौक है। पता है हेतल, मम्मी हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, पर जाए जी ये सूट ले लो, ये चेन पहन लो, कलाई क्यों सुनी है? लेकिन मेरी बात सुनती कहाँ हो आप? आज देखा मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। हाँ 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 बिल्कुल मत सुनना, पहले तो अपनी पसंद के सूट तो निकाल ले। हाँ
ये वाला ये हेतल के लिए। कमाल है, आपकी बहू कहाँ गई? तू इन्हें साइड में रख, मैं देखती हूँ हेतल को। ठीक है। अरे मुना पुत्र, बड़े मौके से आई है। देख तो, दुकान से कुछ कपड़े आए हैं। तेरे मम्मी जी को बोल तेरे लिए भी कुछ कपड़े चुन के दे। ठीक है जी, मैं अभी आती हूँ। पुत्र, अच्छे टाइम से आई है तू। देख तेरे बीजी कुछ सूट लाए हैं, मैं तेरे लिए दो तीन अच्छे चुन लेती हूँ। हाँ मम्मी जी, मैंने ये सूट वूट नहीं चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए फौरन। 10,000? पुत्र सब ठीक तो है ना? मम्मी जी सब ठीक है, आप इतना ना सोचो। वो मुझे कुछ जरूरी सामान लेना, दो ना प्लीज। ठीक है। ये पुत्र, कल रात को तेरे पापा जी ने दुकान के कुछ पैसे दिए थे, ये 9,000 है, 1,000 कम है इसमें। तू थोड़ी देर रुक जा, मैं करण से कह के मंगवा देती हूँ। बिजली बिल जमा करने का टाइम 12 बजे तक का ही है, 11 तो यही बज गया है, क्या करूं? 5। हाँ क्या सोच रही है पुत्र? नहीं कुछ नहीं, मैं इतने से काम चला लूंगी, मेरे पास टाइम शेम नहीं रुकने का ना, मैं चलती हूँ। पुत्र सत श्री अकाल। अचानक क्या काम आ पड़ा, पूरे पैसे भी नहीं लेके गई। देखो पुत्र, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उसे कह दूंगी कि तुम्हारे कपड़े तुम्हें चुनने दें। चलो, मोना भी आई है, मम्मी उसके लिए कपड़े चुन रही है, तुम भी चलो। चाई जी, बात मेरी नहीं है, मैं तो इस घर में नहीं आई हूँ, आती ही अपना हक नहीं जमा सकती, सब समझती हूँ मैं। लेकिन आप तो इस घर की बड़ी है ना, आप मेरी सास है चाई जी। अगर मुझे किसी की पसंद नापसंद सुननी होगी तो मैं आपकी सुनूंगी ना, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपके हाथ से लूंगी, किसी और की नहीं। नहीं पुत्र, ऐसे नहीं कहते, अगर मैं तुम्हारी सास हूँ तो वो भी तो तुम्हारी सास ही है ना। तुम नहीं जानती, करण को हम दोनों ने माँ बन के साथ साथ पाला है, धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगी। इस घर में देवरानी जेठानी में कोई भेद नहीं है। और देखो पुत्र, तुम इन छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज होकर मत बैठ जाया करो, फिर मैं क्या सोचेगी। जी, आप बहुत सहन करती हैं, जो गलत है वो तो गलत है ना, अब आप ही देखिए ना, सारा काम भी यही करें, कमाए भी यही, और उनकी माँ को इस घर में थोड़ा सा भी हक ना मिले, ये कौन सी बात हुई। और वैसे भी विम्मी चाची सारा दिन इधर से उधर इतराती रहती है, अब सारा घर तो आप ही संभालती है ना, तो फिर जब सूट की बात आई तो सबसे पहला हक उनका कैसे हो गया। खुद अपने लिए सबसे अच्छे सूट पीस चुने और अपनी बेटी को दे, और हमारा क्या चाहिए जी? नहीं नहीं पुत्र, छी छी, ऐसी बात कभी अपने दिल पे मत लाना। हेतल पुत्र, पुत्र तू चली क्यों आई? देख मैंने तेरी पसंद के सारे कपड़े अलग से रख दिए, ले। मुझे नहीं चाहिए चाची जी। नहीं चाहिए? क्यों पुत्र, तूने ही तो पसंद किए थे, और अगर पसंद करनी है तो खुद आके नीचे कर ले। मैं कोई काम वाली नहीं हूँ चाची जी, इस घर की बहू हूँ, और मुझे बचे कुचे कपड़ों में से कुछ नहीं चाहिए। आपको और आपकी बेटी को जो पसंद हो ना, आपस में बांट लीजिएगा। मेरे पास मेरे मायके की दी हुई बहुत सारी साड़ियां हैं, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। चाई जी, देखिया तुसी किन्नी बदतमीजी नाल गाल कर रही सी, वो ऐसे कैसे गाल कर सकती है? हम उसकी सास है या वो हमारी?
कुतरा बिलाड़ा वांदरा हाथी छीटा ऊंट डेड़का मगरमच्छ क्या ये सब बोल रहे हो बिजल बहन? गालियां दे रही हूँ, जितनी गालियां आती थी सब दे चुकी इन बिजली विभाग को, अब नई गालियां बना बना के दे रही हूँ। शायद एक आध बस सुन ले और किसी को भेज दे यहाँ बिजली रिपेयर करने। ऐसे खबर न हो तो कह दू सुबह से एक आदमी नहीं टपका यहाँ बिजली रिपेयर करने। लाला ने कृपा आ गई बिजली। अनुकल्प ने जाकर शिकायत की होगी। हाँ। और करवा दिया, ऑफिस का काम भी संभालता है, ऊपर से ये सब कुछ। कल बेकार में मैं उस पर गुस्सा हो गई, बेचारा कितनी कोशिश करता है, लगा रहता है बेचारा। चलो बिजली के साथ साथ बिजली की तरह खनकती हुई मोना रानी भी आ गई पूरे गांव में मतरगस्ती करते हुए। ये क्या है मोना, कितना वक्त लगा दिया तुमने अपने मैके में, हैं? बताकर भी नहीं गई कि इतनी देर से आओगी, रसोई की भी फिक्र नहीं। आंचल बिचारी अकेली कूट रही है रसोई में। अम्बा जी वो ना मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं। ओ जी सत श्री अकाल जी। जय श्री कृष्ण। पुत्र ले बाकी थे 1,000। तूने बताया नहीं किस लिए चाहिए और मुझे लगा पता नहीं कितना जरूरी है तो फटाफट इंतजाम करके ले आई। मोना तुम अपने मैं के पैसे लेने के लिए गई थी? ओ कोई नहीं जी, माँ बाप के पैसे भी तो बच्चों के ही होते हैं। वो मोना ने 10,000 मांगे थे, उस वक्त मेरे पास सिर्फ 9 थे तो मैं फटाफट एकदा इंतजाम करके ले आई। पुत्र मैं कुछ गलत ही नहीं कह गई ना? ओ जी मैं चलनी हूँ, घर पे ना बड़ा काम है। सत श्री अकाल जी। ये क्या है मोना, तुम अपने मैके से पैसे मांग रही हो? हाँ क्यों, हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, पैसे नहीं देते तुम्हें? नहीं अम्बज। भंडारे की चाबी तुम्हें दे दी है, अनु के पूरे महीने की तनख्वाह भी तुम्हें दे दी है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ वरना तो कह दूँ इसने तो नाक कटा दी हमारी। भाभी इसके मायके वाले भी हमें ताने देते होंगे कि ये अपनी बहू को ठीक से रखते नहीं, तभी तो पैसे मांगती फिरती है सबसे। अम्बा जी मैंने ना वो। तुम अपने घर वालों के सामने क्या साबित करना चाहती थी? कि हम लोग कंजूस हैं, तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, मेरा बेटा कमाता नहीं, तुम्हें पैसे नहीं देते। अम्बा जी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अनुकल्प को आने दो घर, उसे ही पूछूंगी कि उसकी बीवी के खर्चे में क्या कमी रह जाती है कि उसे हाथ फैलाने पड़ते अपने मैके में। अम्बा जी सुन, बाबा जी अगर अनुकल्प को पता लग गया कि मैंने पैसे मम्मी जी से मांगे तो क्या बोला था उसने, वो स्वाभिमान, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाएगी, बहुत गुस्सा होगा, क्या करूं? जी क्या हुआ, आप सब बहुत परेशान दिख रहे हैं, कोई बात हुई है क्या? तो हाथ मुंह धो ले, कुछ खा ले, फिर बात करते हैं। नहीं बताइए ना क्या हुआ है। भाभी बताइए अपने लाडले को कि आज क्या तमाशा किया है मोना रानी ने। क्या हुआ है, मोना ने फिर कोई गलती की है क्या? गलती तो मेरी है कि मैंने इसे सारी जिम्मेदारी सौंप दी। अम्बा जी हुआ क्या, बोलिए ना प्लीज। अरे अपनी अम्बा जी से क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ।
पहले तो तेरी बीवी ने छोटी छोटी बातों पे तमाशा खड़ा किया, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों पर भी रोक टोक लगा दी, चार चार रुपए के अखबार के लिए तमाशा किया, यहाँ तक कि तेरे बापूजी के मान सम्मान का भी ख्याल नहीं रखा इसने, और आज तो हद ही कर दी इसने। अरे अपने मायके जाकर पैसे मांग के लाइए।